गुड मॉर्निंग एवरीवन। एट्थ नाइन्थ और टेंथ क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे नंबर सिस्टम से संबंधित है। तो इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो नंबर सिस्टम की, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। सबसे पहले बच्चा अपने अर्ली डेज में वस्तुओं को काउंट करना सीखता है। उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह 100। ये अनंत तक चलती हैं, प्राकृत संख्याएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी हमारी 1। के बाद है पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ है पूर्ण अंक, जो अपने आप में पूरा हो। तो इसके अंदर हम जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, उनकी इमेजेस बोलते हैं इसको, -1, -2, -3, -4। अगर हम इन इमेजेस को भी शामिल कर लें तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। माइनस का मतलब है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आज श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री से 2 सेल्सियस कम है, आज श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री से 2 सेल्सियस कम है, तो वो 0 से कम है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम माइनस के निशान का प्रयोग करते हैं। वैसे फिजिकली ये नंबर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमारे प्राकृत संख्याओं 1, 2, 3, 4 की क्या हैं, इमेजेस हैं। तो इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 ये जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं दाईं तरफ की, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, और 0 के बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। उसके बाद है सम संख्या। इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाए, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो कोई भी संख्या अगर हमें उसको चेक करना है कि वो सम है या नहीं है, तो हम उसको 2 से भाग करके देखेंगे। अगर वो 2 से भाग होती है तो वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ये ध्यान रखना है, 0 जो है वो एक सम संख्या है। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग ना हो, पूरी पूरी भाग ना होने का मतलब कि जब हम किसी संख्या को 2 से भाग दें तो शेष 0 को छोड़कर और कोई संख्या बचती हो, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7 ऐसे बहुत सारी विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होंगे। उसके बाद है अभाज्य संख्या। किस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा। तो हमने किसी संख्या को चेक करना है कि वो अभाज्य है या नहीं है, तो हम उसके गुणनखंड करके देखेंगे। अगर उस संख्या के 2 ही गुणनखंड हों, एक तो 1 और दूसरा वो स्वयं, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर 2 से कम हो गए तब भी अभाज्य नहीं होगी, 2 से ज़्यादा होगी तब भी अभाज्य नहीं होगी। तो हमारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 100। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई एक अभाज्य है या नहीं है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम एक के गुणनखंड ढूंढें तो एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो खुद है। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या 2 से कम होगी तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, और ये 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो संख्या कौन होती है, 2 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी वो भी कौन है, 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ा पूर्णांक
क्या होगा, क्या बता सकते हैं हम सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? नहीं, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि पूर्णांकों की जो संख्या होती है वो अनंत तक जाती है। सबसे छोटा पूर्णांक भी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस के जो संख्याएं हैं वो भी अनंत तक जाएंगे। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता पाएंगे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये अनंत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत है? आंसर नो, क्योंकि एक ये जीरो ऐसी पूर्ण संख्या है जो यहाँ प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती, उसका कारण है जीरो, जो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ या ना? तो यहाँ का कौन सा नंबर ऐसा है जो यहाँ पर नहीं है? सभी हैं, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, आगे पाँच आएगा, छः आएगा। तो हर प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। थैंक यू।